ऑल राइट दोस्तों, नथिंग की तरफ से नथिंग फोन 2A आज 5 मार्च को फ्लिपकार्ट पर लॉन्च हो चुका है। अच्छाइयां भी हैं लेकिन कहीं कहीं एक आध कमी है जो कि मुझे लगी, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। प्राइस से शुरू कर लेते हैं। 3 वेरिएंट्स है इसके, 8GB 128GB जिसकी प्राइस है 24,000 रुपए, 8GB 256GB 26,000 रुपए और 12GB 256GB 28,000 रुपए। कहीं कहीं आपको 22,000 रुपए प्राइस शो की जा रही होगी लेकिन वो ऑफर को मिलाने के बाद है, यानी कि अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह है तो आपको 22,000 में पड़ जाएगा, नहीं है तो आपको 24,000 का जो सबसे छोटा वाला वेरियंट है 128GB वाला, वो आपको 24,000 में ही मिलेगा। फीचर्स के बारे में बात करें तो 6.7 इंच की फुल HD प्लस फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी। एमोलेड डिस्प्ले वही है, काम वो सारा वही करेगी जो बाकी फोनों के अंदर एमोलेड डिस्प्ले करती है, बस नथिंग ने इसे नाम दे दिया है फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले ताकि थोड़ा नाम कूल लग सके। साथ ही 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिल जाएगा, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी और 394 का PPI देखने को मिल जाएगा। ये एक 10 बिट वाली डिस्प्ले है जिसके अंदर 1.09 बिलियन कलर्स देखने को मिलते हैं, तो अगर आप कोई मल्टीमीडिया कंज्यूम करते हैं तो आपको मजा पूरा आ जाएगा, उसके अंदर तो कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और फोन की आपको जो बॉडी मिलेगी वो एक पॉलीकार्बोनेट की बॉडी है, हाँ ग्लास बॉडी ये नहीं है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। और वही प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर मैं नया तो नहीं कहूंगा कि नया प्रोसेसर दिया है, बस हाँ ये जरूर कहूंगा कि एक अपग्रेड वर्जन आपको दे दिया है और ये प्रोसेसर है MediaTek Dimensity 7200 Pro। जी हाँ, आपने MediaTek Dimensity 7200 Ultra सुना होगा, 7200 सुना होगा, लेकिन ये एक प्रो वेरिएंट है, कुछ ज्यादा आपको डिफरेंस बड़ा देखने को नहीं मिलेगा लेकिन हाँ कहीं ना कहीं माइनर सा अपग्रेड जरूर है। साथ ही LPDDR4X RAM दी गई है और UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है और इसी के साथ नथिंग का अपना OS मिल जाएगा, नथिंग OS 2.5 और साथ ही Android 14 के साथ में। जी हाँ, अंतुतु स्कोर की बात करें तो लगभग 5,10,000 के आसपास इसका अंतुतु स्कोर आता है, तो नंबर्स देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस किस लेवल तक चली जाएगी। अगर आपको कोई हैवी सेटिंग के अंदर पबजी खेलना है तो वो भी आप खेल सकते हैं, आपको ये प्रोसेसर इतना निराश नहीं करेगा, और कोई हैवी टास्क करना है तो वो भी हाँ आराम से ये प्रोसेसर झेल लेगा। कैमरा के बारे में बात करें तो पीछे की तरफ आपको दो कैमरा देखने को मिलते हैं, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है OIS के सपोर्ट के साथ में, यानी कि फोन आपका थोड़ा बहुत हाथ से इधर उधर हिल जाता है तो फोटोज और वीडियो स्टेबलाइज रहेंगे, यानी कि वो थोड़ी धुंधली नहीं होंगी। और दूसरा कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का मिलता है जो कि एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है, दोनों कैमरा से आप 4K के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और रही बात फ्रंट कैमरा, वो आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, इससे आप सिर्फ 1080p तक ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, के अंदर इसको अंदर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। और बैटरी की बात करें तो 5000mAh की आपको बड़ी बैटरी मिलती है, अनफॉर्चुनेटली आईफोन की तरह ही सैमसंग की तरह ही बॉक्स के अंदर चार्जर हमें देखने को नहीं मिलता है। ये बैटरी सपोर्ट कर जाएगी आपकी, यानी कि ये फोन सपोर्ट कर जाएगा 45 वोल्ट की चार्जिंग को, तो अडेप्टर आपको अलग से खरीदना होगा, यानी कि अगर देखा जाए तो 24,000 वाला फोन अगर जो है सबसे जो छोटा वाला वेरियंट, अगर आप अडेप्टर अलग से खरीदेंगे तो कितने का आ जाएगा, 1,000 रुपये का, 1,500 रुपये का, 2,000 रुपये का, तो 24,000 प्लस अडेप्टर की प्राइस, ये भी आप जोड़ कर चलना, ठीक है। और साथ ही साथ 3.5mm का हेडफोन जैक वो नहीं मिलेगा, वायर वाली ईयरफोन यूज़ करना चाहते हैं तो आई एम सॉरी वो नहीं कर पाएंगे। IP54 की रेटिंग मिल जाएगी, यानी कि थोड़ा बहुत पानी वानी के अंदर भीग जाता है तो हाँ आपका फ़ोन बच जाएगा, लेकिन ज़्यादा देर तक पानी के अंदर मत रहिएगा, ज़्यादा देर तक बारिश के अंदर मत नहाइएगा, वरना आपकी नैया। साथ ही ब्लूटूथ वर्जन 5.3 देखने को मिल जाएगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, जी हाँ साइड वाला आपको नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली 24-25,000 रुपए है, नथिंग इतना तो कर ही सकता है। और साथ ही साथ में कंपनी का कहना है कि हम आपको 3 OS अपग्रेड देंगे, यानी कि एंड्रॉयड 14 तो दिया ही गया है, एंड्रॉयड 15, 16 और 17 तक का आपको अपडेट मिल जाएगा और 4 साल का हम आपको सिक्योरिटी अपडेट देंगे, तो ये नथिंग का कहना है। और रही बात लुक और डिज़ाइन की, तो हाँ ठीक है, जैसे कि नथिंग फोन फर्स्ट आया था, नथिंग फोन सेकंड आया था, उसी की तरह आपको पीछे की तरफ ट्रांसपेरेंट बॉडी मिल जाती है और आपको हाँ LED लाइट्स भी मिल जाती हैं जिनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, या आप चाहे तो अपना कॉल आए तब उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, नोटिफिकेशन कोई आए तो उस हिसाब से उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। 2 कलर्स के अंदर आपको ये फ़ोन मिलेगा, ब्लैक और वाइट, बस और बस हो गया। और आप बताइए मुझे कि आपका इस फोन के बारे में क्या ख्याल है, जो नथिंग फोन फर्स्ट और सेकंड आए थे उनकी प्राइस तो खैर ज़्यादा थी लेकिन इनकी प्राइस तो 24-25,000 रुपए से स्टार्ट हो जाती है, तो क्या आप इस फोन को खरीदना पसंद करेंगे या फिर अभी भी